सो यार हेलो एंड वेलकम आज के जन पंजाबी के व्लॉग्स पे, और एक बार फिर से स्वागत है आपका पंजाबी के व्लॉग्स इन 360 डे। 360 व्लॉग्स बनाते रहेंगे विद और विद कंटेंट यार। पंजाबी के व्लॉग्स लाइक करो। सो यार मैं आ चुका हूँ स्कूल से और मेरा था आज SST का पेपर। आज सुबह से वीडियो चालू नहीं करी मैंने और अभी मेरे को लग रही है यार बड़ी तेज वाली भूख। तो मैं कल रात को पापा से बात कर रहा था और पापा ने बताया कि वो कुछ अंडे वाला परांठा खाते थे। अब अंडे वाला परांठा यानी कि मतलब परांठे के अंदर अंडा, और मैं रोल की बात नहीं कर रहा, एग रोल की बात नहीं कर रहा, अंडे वाले परांठे की बात कर रहा हूँ। तो कैसे बनता है क्या नहीं बनता है मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। अगर अच्छा बनेगा तो तुम्हें भी सजेस्ट कर दूंगा, बाकी रेसिपी तो तुम देख ही लो यार, क्योंकि कंटेंट की कमी और ये कंटेंट हो जाएगा। तो चलते यार फटाफट और प्रिपेयर करते हैं अपने अंडे वाले परांठे। और तब तक के लिए तुम अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो सब्सक्राइब फटाफट, और इस वीडियो को कर दो यार वायरल। अब ये मैं बोलता था सिर्फ इंस्टाग्राम पे कि मेक दिस वीडियो वायरल, और कसम से भूल चुका हूँ यार मैं। तो अगर तुम सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक दबा दो, बिल्कुल एकदम फैला डालो यार जिससे कि वायरल हो जाए अंडे वाले परांठे यार। अब कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते तो इस वीडियो को पूरा देखना है यार। और चलो यार अब और क्या देखोगे मेरी शक्ल के अंदर, चलते यार रेसिपी की तरफ। तब तक के लिए मेरा गेमिंग चैनल भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद चेक मार लेना। और अभी के लिए बाय बाय। यार देखो तुम्हें रोटी को ना बीच में से इस तरीके से तोड़ना है, और ये मम्मी का भी फर्स्ट ट्राई है यार, तो प्रोफेशनल वाले तरीके से नहीं टूट रही है। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है, तो देखो यार क्या हो रहा है। यार देखो रोटी को बीच में से तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, और यहाँ मम्मी से भी मतलब ढंग से नहीं टूट रही यार ये। तो ये वाला पार्ट अगर तुम कर सकते हो तभी इस रेसिपी को बनाना है यार। तो यार देखो रोटी अंदर से इस तरीके से खोल लेनी है तुम्हें अंडा परांठा बनाने के लिए, और अगर तुम इस चीज़ में प्रोफेशनल हो तभी इस रेसिपी को ट्राई करना, बाकी मम्मी नहीं है और मम्मी का भी ये ट्राई चल रहा है। तो अंदर से रोटी को ऐसे खोल लिए हमने बहुत सारी मेहनत के बाद, अब इसके अंदर अंडा भरा जाएगा, तो वो भी देखते हैं यार अभी क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है ना, अंडा भरना और अंडे को फैट लेना है। इसके अंदर तुम वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो, बाकी मम्मी ने नहीं करे, मैंने बोला था लेकिन मम्मी ने नहीं करे यार, तो तुम कर सकते हो, ये एक टिप थी तुम्हारे लिए। बाकी देख लो यार इस तरीके से ये अंडे का परांठा बन रहा है यार। और बन रहा है। क्या बन रहा है फिर? क्या बन रहा है? थोड़ा सा अंडा और ऐड ऑन होता हुआ उसके अंदर, क्योंकि बाहर आ गया था यार, तो ऐड हो गया यार इसके अंदर अंडा, और अब देखते हैं क्या होता है आगे। सो यार देखो ये है अंडे वाला परांठा जो कि मम्मी ने तोड़ दिया है, मतलब कि कट कर दिया है, और
खाते हैं यार फटाफट। तो एक बड़ी बाइट ले लेता हूँ यार, एक छोटी सी बाइट में क्या टेस्ट बता पाऊँगा मैं तुम्हें, तो बड़ी बाइट लेते हैं और यार टेस्ट करके देखते हैं फटाफट। तो यार इसके अंदर ऑमलेट का टेस्ट आ रहा है क्योंकि एक रोटी के अंदर ऑमलेट बना था तो ऑमलेट का टेस्ट आ रहा है। बाकी तुम ट्राई कर सकते हो, वैसे भी तुमने देख ली, थोड़ी सी मुश्किल है थोड़ी सी आसान है। तो इस रेसिपी का नाम दे देते हैं मास्टर बटर के स्टाइल के अंदर फुल गलत रेसिपी यार। और बाकी ट्राई कर सकते हो, मुझे ही अच्छा लगा, तुम्हें कैसे लगता है कमेंट करके जरूर बताना। जब तुम ट्राई कर लोगे उसके बाद मेरी वीडियो पे फिर आना, फिर वीडियो देख के जाना, और तब तक और वीडियोस भी आ जाएगी अगर तुम आज ट्राई नहीं करते। बाकी आज ट्राई करते हो तो कमेंट जरूर करना यार, अंडे वाले परांठे फ्रॉम पंजाबी। तो खाता हूँ फटाफट और मिलता हूँ थोड़ी देर में तुमसे। सोया परांठा हो चुका है ख़त्म, यानी कि परांठे हो चुके हैं ख़त्म, और ये रही अपनी चाय यार जो कि आ चुकी है। और यार पहली बाइट के अंदर तो मैं टेस्ट ढंग से समझ नहीं पाया था, लेकिन पूरा परांठा खाने के बाद मैं ये बोलता हूँ यार चाय थोड़ा सा मुश्किल हो, चाय फुल गलत वाली रेसिपी हो, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना, ना मजा आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन ट्राई ज़रूर करना और ट्राई करके बताना ज़रूर कमेंट के अंदर कि कैसा था, क्या नहीं था इसके अंदर, क्या होना चाहिए, तो ज़रूर बताना कमेंट करके। और एक बार ट्राई ज़रूर करना ये वाली रेसिपी को, पंजाबी की रेसिपी अंडे के परांठे यार, तो ट्राई कर सकते हो। बाकी अभी मेरे को रजिस्ट्रेशन करनी है यार अपने T2 के टूर्नामेंट की आज की, तो रजिस्टर करके आता हूँ मैं फटाफट। और अपनी वीडियो भी आउट मतलब कि हो चुकी है, पोस्ट हो चुकी है यार, तो शेयर शुअर करते हैं। और 3:30 बज चुके हैं, तो देखते हैं यार क्या करते हैं आज के दिन में। और तो मैं कंटेंट देने की कोशिश करूँगा मैं अगले आने वाले 3-4 दिन के अंदर, कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा हूँ। देखो यार मेरा रोज का शेड्यूल जो है, अब डेली ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि रोज का शेड्यूल दिखाना यार अपना, जहाँ तक मैं समझ पाया। मुझे पता है कि तुम्हें ये चीज़ पसंद है कि या तो मैं जूते लूँ, गाड़ियाँ लूँ, बाइकें लूँ, बाहर जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, लेकिन यार वो मैं रोज़ नहीं कर सकता क्योंकि अपने स्कूल हैं यार। और मुझे पता है कि अब तुम बोलोगे फिर तू व्लॉगिंग करने क्यों आया, क्योंकि यार मेरा दिल था व्लॉगिंग करने का कि मैं भी व्लॉग बनाऊं, इसलिए मैं व्लॉगिंग करने आया हूं। अगर तुम भी ऐसे हो तो सपोर्ट दिखाओ, और अगर नहीं हो तुम्हें भी वही चीज़ पसंद है यार कि रोज़ बाहर घूमो, बाइक लो, कपड़े लो, अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यार, तो इसको ये मत समझना कि ये बंदा इसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है, इसको नहीं बोल रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं भी वैसा कंटेंट लाऊंगा, लेकिन अभी नहीं ला सकता और रोज़ वो चीज़ें नहीं कर सकता यार। तो मेरा डेली का दिन ऐसे निकलता है, अगर तुम्हें पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं तो यार वीडियो तो हम बनाते रहेंगे 365 days 365 व्लॉग्स बनाते रहेंगे विद कंटेंट। तो अभी मैं विद कंटेंट बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि पहले 7-8 दिन से मैं तुम्हें कंटेंट नहीं दे पा रहा, सिर्फ बोल के चला जाता था, लेकिन आने वाले 3-4 दिन के अंदर मैं वीडियो निकालने की कोशिश करूँगा, अपनी तरफ से एक बड़े वीडियो निकालने की कोशिश करूँगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे को ये भी पता है कि मैं पिछले करीब तुम्हें 15-20 दिन से ये भी बोल रहा था कि आगे कुछ धमाकेदार होने वाला है, तो थोड़ा सा टाइम और कुछ ना कुछ करते हुए दिखेंगे यार। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ वीडियो को और रजिस्टर करके आता हूँ, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना यार ये वाली रेसिपी, और बस यही कहना था।